कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा। मुद्दों पर, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं, उस साजिश से सबको बचना चाहिए, और अगर कोई इस प्रकार की साजिश किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को निशाना बनाने के लिए पूरे देश को या बहुसंख्यक समाज को, दुनिया का सबसे सहिष्णु समाज को, ये तो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए कोई इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल है तो उसकी सामूहिक निंदा होनी चाहिए, उसका सामूहिक बहिष्कार भी होना चाहिए। पाक आतंकी और मुंबई ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है हाफिज सईद ने जो है कहा है कि अगर ऐसे लोग शाहरुख खान हो या फिर जो साहित्यकार हैं वो लोग अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत में तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। बखूबी जाएं लोग, हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं, कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहां से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है, मैं कह रहा हूं ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहां बोल रहे हैं, मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है।